सेकंड रैंकर यूपीएससी टॉपर ने लिखा था कि गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, वो वायरल भी हो गया मेरा जवाब। तो उस बच्चे ने लिखा था, उसका जवाब है मैं झूठ में वायरल हुआ। उसमें उसने लिखा था कि गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो मुसलमानों की तरफ से CAA के खिलाफ लड़ रहे होते तो हम उनको इंडिया से निकाल देते तो वो पाकिस्तान जाते, वहाँ वो चुप नहीं बैठ पाते हिंदुओं की तरफ से लड़ते तो वो उनको निकाल देते, तो हम अमेंडेड CAA में गांधी जी को वापस अपने ही देश में लेते। फिर गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में बिना एडवोकेट किए बाबरी मस्जिद के केस में हमारी तरफ से खड़े होते, और जब फैसला उनके खिलाफ आता तो वो 9 दिन का आमरण अनशन करते। वो कहते कि मर्यादा पुरुषोत्तम की सबसे सही जगह लोगों के दिलों में है, किसी टूटी हुई मस्जिद की जगह नहीं बनना चाहिए। फिर उसने लिखा कि गांधी जी बनिया थे, GST की समझ रखते थे, इसलिए अगला डांडी मार्च जिस दिन पेट्रोल और खाने की कीमतों पे GST लगता वो करते, और वो पूरी दुनिया में निकल निकल कर डांडी मार्च के जरिए GST का टैक्स कम करवाते। फिर उसने लिखा कि गांधी जी उनके यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होते, उनके फेसबुक के पेज पर लोग अपने सवाल छोड़ते, और ट्विटर पर बराक ओबामा भी उनके फॉलोअर होते। तो ये वाली क्रिएटिविटी और ये वाली इमेजिनेशन जब तक बच्चा नहीं दिखाएगा तब तक के उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। एक एग्जांपल है, जिन 15 कंपनीज में डिग्री नहीं लगती वहाँ क्या लगता है, तो उनके पास एक टेस्ट है, उस टेस्ट का जवाब अभी देने पे कल वीज़ा आ जाता है कैलिफोर्निया का। टेस्ट सिंपल सा है, भाई हम ये बॉटल बनाते हैं, पानी की बॉटल बनाते हैं, आप इस पानी की बॉटल में ऐसा क्या कर सकते हैं कि सारी दुनिया में सिर्फ हमारी पानी की बॉटल बिके। उन्होंने ऐसे बॉटल रख दी है, और उन्होंने कहा डिग्री अपने वालिद को दे दो क्योंकि उसके खर्चे का हिसाब है, वो तुम्हारे एजुकेशन पे कितना खर्चा किया उसकी रसीद है, तो वो तुम्हारे वालिद को दे दो, हमारे इस सवाल का जवाब दे दो, हम बॉटल बनाने की कंपनी है भाई, ये बॉटल रखी है सामने, इसमें ऐसा कुछ कर दो कि सारी दुनिया में सिर्फ हमारी बॉटल बिके। तो मुसलमान ने इंटरव्यू दिया था, तो उसने बोला सर गोल सब बनाते हैं, आप चपटी बनाओ तो देखो ये चपटी बनी हुई है, ये चौकोर है, स्क्वायर है, एवरीवन इज मेकिंग राउंड, वी शैल मेक स्क्वायर। तो किसी ने स्क्वायर बना दिया। क्रिश्चियंस ने आके बोला नहीं मैं प्लांट लगाएगा, मुझे ये इंटरव्यू नहीं देना है। लेकिन ज्यूज ने आके बहुत अच्छी बात की, उसने कहा ये जो ढक्कन है इस ढक्कन में मैं अल्ट्रावायलेट लगाऊंगा, बैटरी ऑपरेटेड, और उस अल्ट्रावायलेट को मैं ऐसे बंद करके यहाँ एक बटन दबा दूंगा, 15 मिनट में पीने लायक पानी साफ कर देगा। इसीलिए दुनिया के फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सारे R&D डिपार्टमेंट इजराइल में है, और हम क्या पढ़ा रहे हैं साहब, गांधी जी कब पैदा हुए थे। और वो क्या पढ़ा रहे हैं साहब, वो ऐसा इनोवेशन और ऐसा R&D पढ़ा रहे हैं कि देखो यार दुश्मन में बात होना चाहिए, दुश्मन में। और यहूदियों की जिंदगी का सबसे बड़ा वो है कि वो मुसलमानों को जाम है वहीं रहने देना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन में क्या बात है। परसों का पेपर उठा लो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, फ्रंट पेज पे है टर्की, उसने रेड कारपेट बिछा के इसराइल को हाथ जोड़ के बुलाया कि मेरे आ जाओ। क्यों? आपने गरीब नवाज का नाम सुना है अजमेर वाले, आपने गौसे आजम का नाम सुना है बगदाद वाले। इस जमाने का गौसे आजम वो है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में PhD है और बिना पानी के अनाज उगाना सिखा सकता है, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में सिर्फ 47 सीटें हैं। मनमोहन सिंह साहब के जमाने में हमारे प्रधानमंत्री के, उसमें से 37 सीट अफगानिस्तान के लिए बुक थी, क्योंकि अफगानिस्तान में इतना सूखा पड़ता है कि वहाँ पे OPM के अलावा कुछ नहीं उगता, तो वो चाहते थे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ बिना पानी के क्रॉप्स होती है वो अफगानी सीखें। मुसलमानों अरे थोड़ा होश करो अल्लाह के वास्ते, बंद करो डॉक्टर इंजीनियर बनाना, अल्लाह का वली बनाओ, और अल्लाह का वली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से भी इंसान बन सकता है। एक मिसाल और देता हूं जिससे आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। जब लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिंदगी बचाने वाली दवाएं जब क्रिश्चियंस बनाते थे, तो आपने डॉक्टरों का सिंबल देखा था क्या था, रेड कलर का क्रॉस था, याद है जब हम छोटे थे तो रेड कलर का क्रॉस हुआ करता था। आज दुनिया की सारी जिंदगी बचाने वाली दवाएं
इसराइल बना रहा है, इसलिए उन्होंने सिंबल चेंज करवा दिया। 1,16,00,000 की आबादी की ताकत देखो, उन्होंने सिंबल चेंज करवा दिया। अब एक मूसा अलैहि सलाम का आसा है जहां सांप ऐसे लपेटे हुए हैं। है हम में से कोई माई का लाल जो R&D कर सके मेडिसिन में कि वो सांप और आसा वो मोहम्मद के चांद और सितारे के साथ रिप्लेस हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये हम पैदा नहीं कर रहे हैं अपनी स्कूलों में साहब, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंसें रखे जा रही।